विश्व हिंदू परिषद के 52 साल के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में प्रवीण तोगड़िया को मुंह की खानी पड़ी। प्रवीण तोगड़िया की जगह अब विष्णु सदाशिव कोकजे विश्व हिंदू परिषद के नए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा रहे तोगड़िया के नजदीकी राघव रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए कोकजे ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं अध्यक्ष पद जाने से खफा तोगड़िया 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने वाले हैं। तोगड़िया ने कहा है कि वीएचपी चुनाव में सत्ता ने सत्य को दबाया है। बत्तीस साल से आरएसएस वीएचपी बीजेपी तीनों यही बात करती थी। चार साल सत्ता में आने के बाद अकेला डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया करता था, मैं तो वही बात करता था 32 साल से कर रहा हूं। सत्ता के मदमस्तों को यह ठीक नहीं लगा। चार साल पहले तक तो संसद में बहुमत आएगा तो राम मंदिर गौरक्षा कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। सुनो, इंडिया में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।